हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिफारिश किचन। सिफारिश किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इंस्टेंट वेज उत्पम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी सूजी। सूजी मैं यहाँ पर बारीक वाली ले रही हूँ, जिसे मैंने एक बड़े बाउल के अंदर शिफ्ट कर लिया है। दोस्तों, मैं इसमें हाफ टी स्पून के करीब जीरा डाल रही हूँ। 1/4 टी स्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला लिया है। 1.5 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब हम इसको इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जैसे रेसिपीज में नमक और मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक गिलास के करीब लस्सी ली है। ज़्यादातर लोग जो उत्पम बनाते हैं उसमें दही का यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ लस्सी का यूज़ किया है। और यहाँ पर सबसे पहली बात जो गौर करने वाली होती है, दोस्तों आप दही या लस्सी जो भी यूज़ करते हैं वो आपकी एकदम से खट्टी होनी चाहिए और 4-5 दिन पुरानी होनी चाहिए। फ्रेश दही या लस्सी का यूज़ बिल्कुल मत करें, क्योंकि हम यहाँ पर इंस्टेंट उत्पम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें उस दही या लस्सी का खट्टा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फ्रेश होगी तो हमारा उत्पम इतना अच्छा नहीं बनेगा और वो प्लफी भी नहीं बनेगा। तो जो हम खट्टी लेंगे तो वो बहुत अच्छा बनता है उत्पम ना, तो इस वजह से हमें खट्टी दही का ही यूज़ करना है। दोस्तों, हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा भी कहा जाता है। दोस्तों, मैंने गैस के ऊपर तवा नॉनस्टिक तवा लिया है और मैं उसके ऊपर घी लगा रही हूँ थोड़ा सा, और उसके ऊपर हम फिर जो हमने उत्पम का घोल तैयार किया उसको फैला देंगे। एक चम्मच की सहायता से हम इसको गोल गोल फैलाते जाएंगे। दोस्तों, आप अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे, छोटा या बड़ा, जिस तरह से भी आपको इसका बेस सही लगे आप वो बना सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम आकार का उत्पम बना रही हूँ। दोस्तों, मैंने ये सब्जियाँ इसके लिए यूज़ की हैं। मैंने प्याज लिया है, टमाटर लिया है, शिमला मिर्च लिया है, और मैं यहाँ गाजर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम वेज बना रहे हैं तो हम सब्जियों का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर प्याज लंबे लंबे काटे हैं और टमाटर बारीक काटे हैं। शिमला मिर्च में मैंने पतली पतली काटी है बारीक, और जो हमने गाजर यूज़ किया है वो ग्रेटेड यूज़ की है। दोस्तों, आप इसमें किसी भी सब्जी का यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, पनीर आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या फिर उसके पीसीस भी काट कर डाल सकते हैं। अब आप एक चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से बेस के अंदर सेट कर दीजिए। दोस्तों, ये साउथ इंडियन डिश है और बनने के बाद बहुत देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं खाना। दोस्तों, ये घर पर बहुत ही इजीली बन जाती है। मार्केट में तो ये मिलता ही है, पर घर पे भी इसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत सॉफ्ट होता है तो इसको थोड़ा आराम से हमें पलटना है। दोस्तों, हमने इसे पलट दिया है और ये हमारा पीछे से बिल्कुल पूरी तरह से सिक चुका है। अब हम इसे आगे से भी थोड़ा सेक लेंगे। मैं यहाँ पर चारों तरफ थोड़ा सा घी लगा देती हूँ। इसमें तेल की क्वांटिटी जो होती है बहुत ही कम लगती है और ये हेल्दी भी होता है। देखिए दोस्तों, हमारा ये आगे से भी पूरी तरह से सिक चुका है। बस इसको जब हम उठाते हैं और पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होता है। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की रेसिपीज़ की